हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये सऊदी अरब रियाद का जो है ना फ्लोरेंस मार्केट का नज़र आप सब देख रहे हो, और माशाल्लाह अभी जो है ना 5 बजे तक खुला रहेगा। और कोई भाई कन्फ्यूजन में हो कि भाई यहाँ पे जो है ना महामारी कहीं भी जो है ख़त्म हो चुका है और उसका इलाज मिल चुका है, तो ये भाई आपका जो है ना भरम है और धोखा है, समझ रहे हो। कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ है। अभी ईद की वजह से जो है ना यहाँ पर भी यानी थोड़ा सहूलियत दिया गया है, समझ रहे। तो हम यही कहेंगे कि भाई कहीं भी हो ना तो अभी भी सतर्क से रहो भाई, थोड़ा अच्छा से यानी एहतियात से रहो, नहीं रहते हो तो बाकी आप सबका मर्जी, समझ रहे हो। ये जो देख रहे हो तो अभी जो है ना यानी 5 बजे तक, सुबह 6 बजे से 5 बजे तक आप लिमिट के ज़रिए जो है ना घूम फिर सकते हो, और इधर वगैरह और ये रास्ता वगैरह देख रहे, तो ये तो अभी भी नॉर्मल ही, ये तो नॉर्मल है। और चालू रहता तो फिर कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता, कोई ये सब फुल रहता, ये फ्रेश का जो है ना पार्किंग वगैरह पूरा फुल रहता है। तो कोई भी भाई जो समझ रहे हो कि नॉर्मल है तो फिर कुछ ये गलत है, कहीं का भी अभी नॉर्मल नहीं है, समझ रहे। तो हम यही कहेंगे इतिहाद से लाजिम है चलो, ओके। जैसे कि अभी जो है ना ऑल कंट्री मिला के जो है यानी 32,51,000 हो चुका है बीमार, ओके, और 2,32,000 जो है मर चुका है, और 10,00,000 जो है रिकवर हुआ है। यूनाइटेड स्टेट का जो अमेरिका का 10,59,000 हो चुका है मरीज, और 62,996 जो है मर चुका है, और स्पेन का जो है 215,216 है, और 24,824 मर चुका है, और 112,050 जो रिकवरी हुआ है, और अमेरिका में भी जो 153,900 जो है 47 जो है रिकवरी हुआ है, ओके। और भाई और चाइना का तो भाई बढ़ ही नहीं रहा है, चाइना का जैसा का तैसा 1,000 इतना दिन में बढ़ा है बस। और इंडिया का जो है 35,043 हो चुका है, समझ रहे, 35,043 हो चुका है, और 1,147 जो है मर चुका है, और 9,068 जो है रिकवरी हुआ है। और सऊदी अरब में भी जो है 22,753 हो चुका है, 162 मर चुका है, और 3,163 जो है रिकवरी हुआ है। तो भाई कहीं का भी हालात अभी नाजुक नहीं, हम यही कहेंगे। और ऐसी हुए भाई बीच देश गल्फ वगैरह में ज़्यादातर रहते हो, और जो भी भाई जो है ऐसी का इस्तेमाल करते हो समझ लो, नहीं है करोगे तो फिर भला है, अब करोगे तो फिर अब आप बाकी आप सबका मर्जी, ओके। और गर्म पानी तो मैं बराबर बोलता हूँ पीने के लिए, वो तो लाजिम आप सब इस्तेमाल कीजिए, किसी भी गोबर भक्त के चक्कर में मत रहिए। कोई भी बोलता है कि भाई इलाज मिल गया वो मिल गया, तो सब उस ढिंढोड़ा में मत रहिए, जाइएगा तो फिर आप खुद फंसिएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई इलाज उलाज कुछ नहीं मिल पाया, समझ रहे हैं। और दूसरी बात जो है ये वतीनी व जैतून, जैतून का तेल है, मिल रहा है तो खाइए, नहीं मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कतें नहीं है। मगरेल कलौंजी उसको बोलते हैं, सौदा भी अरबी में बोलते हैं, और उसको जो है ये काला तिल भी बोलते हैं। तो जिस हिसाब में आप सबको मालूम पड़ता है वो सब आप सब खाया करें, लाजिम है। और हल्दी नमक और पानी और काला नमक लहसुन उसमें मिलाकर जो ना वो पीने से थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा करता है शरीर के अंदर, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाकी वही हम ज़्यादा कुछ तो बताएंगे नहीं, क्योंकि आप सब तो अला तो सोशल मीडिया में रहते हैं, 101 जो कलाकार बैठे हुए हैं सोशल मीडिया में, तो बस हम सोच रहे थे कि आज यहाँ का हालात तो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा देते, फ्रेश मॉल के पास आए हुए हैं। तो ये भरम में नहीं रहिएगा। और अभी जो है ना ईद के टाइम में जो ना ये चालू कर दिया गया है, तो वो नहीं रहिएगा भरम में, समझ रहे हैं, भरम में नहीं रहिएगा, क्योंकि भैया पैसा वैसा बचाइएगा, कपड़ा वपड़ा मत लीजिएगा, क्योंकि मस्जिद में नहीं जा सकते तो फ़ायदा क्या है। तो चलो ठीक है, मां सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ए ए